हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आपका रनिंग में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आपके सामने आएंगी वर्ड्स प्रॉब्लम्स जो आपको सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 2100 रुपीस एंड 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कॉस्ट 1750 रुपीस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर एंड ए टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लिखेंगे हम लेट द कॉस्ट ऑफ ए चेयर बी एक्स रुपीज मान लेंगे एक चेयर का कॉस्ट। चेयर के बाद आपके सामने आया टेबल, लेट द कॉस्ट ऑफ ए टेबल बी वाई रुपीज मान लेंगे। देन जब एक टेबल आप एक चेयर आपकी एक्स रुपीस की है तो फोर चेयर्स आपका होगा 4x और कॉस्ट ऑफ ए टेबल वाई रुपीस है तो आपका 3 टेबल्स हो जाएगा 3y। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को यहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग, 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 2100 रुपीस। फोर चेयर्स का आपका हो गया 4x, 3 टेबल्स का हो गया 3y और ये आपका हो गया 2100 रुपीस। इक्वेशन नंबर 1 आपकी तैयार है। नेक्स्ट 5 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, तो 5 चेयर्स का आपका हो जाएगा 5x और 2 टेबल्स का हो जाएगा 2y। कॉस्ट आपकी है 1750 रुपीस, तो यहाँ आपका आ जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल 1750 रुपीस। इक्वेशन नंबर 2 आपकी इक्वेशन बनकर तैयार है। अब इस इक्वेशन को आप इलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी हमने आपको मेथड सिखाए हैं उनसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सबसे आसान आपकी होती है इलिमिनेशन मेथड, एक होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल इलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, इसके अंदर इसको इक्वल करना है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप इक्वेशन नंबर 1 में और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो गया आपका, 3 टू जा 6y हो गया एंड 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 2100 रुपीस में तो आपका आएगा 0024। अब आप करेंगे इसके अंदर सेकंड के अंदर 3 की मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 एक्स, 3 2 जा 6 वाई एंड 3 0 0, 3 5 जा 15 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 एंड 1 22 का 2 कैरी 2 और 3 1 जा 3 और 2 5।
ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, दोनों सेम आ गए। अब एक प्लस का चाहिए और एक माइनस का चाहिए, यहाँ पर दोनों ही प्लस प्लस के हैं, तो आपका यहाँ लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट के अंदर साइन चेंज किए जाते हैं, देन कैंसिल। 8 आपके पास प्लस का है और 15 आपका हो गया माइनस का, देन 15 में से 8 माइनस कर देंगे, 7x आ गया। साइन कौन सा आएगा, बड़े डिजिट से पहले वाला माइनस, इक्वल। यहाँ आपको माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस का आपका, ये माइनस का हो गया 0, 5 में से 0 गया 5, 0 एंड 1, साइन बड़े डिजिट से पहले वाला मतलब माइनस, माइनस माइनस कैंसिल। x इक्वल 1050/7, 7 से इसे कर देंगे सिंप्लीफाई, 7 बन जाए 7 एंड 3 रिमेनिंग 35 हो गया, 5 जा 0, x इक्वल आपका आ गया 150। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 4x प्लस 3y इक्वल टू 100, 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 150 प्लस 3y इक्वल टू 100, 4 0 आ गया 600 प्लस 3y इक्वल टू 100, 3y इक्वल टू 100 माइनस 600 का क्या किया ट्रांसपोर्ट, इधर साइन चेंज हो गया, 3y इक्वल माइनस कर देंगे इसको 0 0 5 1 एंड y इक्वल 1500/3, 3 से कर देंगे सिंप्लीफाई से 500 एंड y इक्वल 500। आप यहाँ लिखेंगे अब आंसर, कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल 150 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल इक्वल 500 रुपीज। एक चेयर की कॉस्ट आपकी आई 150 रुपीज और एक टेबल की कॉस्ट आई 500 रुपीज। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।